गुड मॉर्निंग शीना. मॉर्निंग. तुम्हें पता है अमन कौन से कमरे में? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के जज्बातों का फायदा उठाओ. वो देखो, रात भर अमन वही सोया है. अमन, अमन. गुड मॉर्निंग. तुम तो दूसरे कमरे में सोने वाले थे ना? हाँ, वो जरूरत ही नहीं थी. मैं एक नज़्म लिखने बैठा था, पता नहीं चला कब सो गया. मैं अभी शीरा से बात करने जा रही हूँ. चाहे कितने भी पैसे लग जाए, हम एक और कमरा लेंगे. चांदनी, मेरी बात तो सुनो. चांदनी, शीना, शीना, हमें एक और कमरा बुक करना है. तुम दोनों को देख के ये लगता नहीं है कि जैसे प्यार? पहली बार ऐसे दो लोग देख रही हूँ जो एक दूसरे से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ तो सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ एक कमरे में रह नहीं सकते. सब कुछ छोड़ा है, लेकिन लेकिन अपने हिंदुस्तानी उसूलों को नहीं. अमन के लिए एक और कमरा चाहिए. चांदनी, प्लीज, मैं अपनी मर्जी से बाहर सोया था. लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दूसरे कमरे में सोने जा रहे हो. एक्चुअली यस, कल रात को अमन को तो मैंने भी एक कमरा ऑफर किया था. अच्छा, तो फिर तुम बाहर क्यों सोए? मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से सोया था. चांदनी, अमन सच कह रहा है. वैसे तुम्हें जो आज अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है कि कल भी अच्छा लगे. लेकिन हमें दो कमरे तो चाहिए. चलो, मैं तुम सबकी परेशानी दूर कर दूँ. खुश और मैं भी खुश.